बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। पाकिस्तान वालों तैयार, खबरदार, बारिशों के दो नए सिलसिले आने को तैयार। लेकिन कहां कहां पर मूसलाधार बारिशें, गरज चमक, याला बारी बरसने को तैयार है, आज की वीडियो में इसके बारे में आपके सारे रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले कमज़ोर मगरबी हवाओं के नए सिलसिले के हवाले से बात करते हैं। तो इस दौरान मगरबी हवाओं का कमज़ोर बारिश बरसाने वाला नया सिलसिला इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के बाली शुमाली हिस्सों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मौजूद है, जिसके बाद वहां पर मौसम अबर आलूद है और साथ ही हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि मज़ीद आज रात से सिस्टम में शिद्दत आएगी, जिससे आज रात से कल के दौरान मज़ीद के पीके कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्को है। अब बात करते हैं तो बारिशों के दो नए सिलसिले आने को तैयार हैं, लेकिन कब से कहां कहां पर बारिशें होंगी, इस रिपोर्ट पर एक नज़र। इंशाल्लाह बारिशों का पहला मगरबी हवाओं का ताकतवर नया सिलसिला 6 मार्च से बलूचिस्तान के रास्तों से मुल्क में दाखिल होगा, जो कि अच्छी बारिशों का सबब बनेगा। ये सिलसिला मुल्क के बाली शुमाली और मगरबी हिस्सों के लिए ताकतवर होगा, लेकिन वस्ती जनूबी इलाकों के लिए कमज़ोर साबित होगा। इस सिलसिले से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ वादियों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, कुछ मकामात पर यालाबारी, जबकि पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी मुतवक्को है। ताम कोयटिया समेत बलूचिस्तान के बाली शुमाली मशरकी और कुछ मगरबी हिस्सों में भी गरज चमक के साथ दरमियानी बारिश का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के बाली शुमाली और कुछ वस्ती हिस्सों में कहीं पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश तो कहीं पर हल्की बारिश मुमकिन है, जबकि जनूबी पंजाब में भी हल्की बारिश हो सकती है। बाकी रही बात कराची समय सिंध की, तो वहाँ पर हाल फिलहाल बारिश के इम्कान कम है, अक्सर मौसम अबर आलूद रहेगा, जबकि चंद एक दो मकाम पर लोकल बादल बन सकते हैं, जिससे हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश हो सकती है। हाल फिलहाल इस सिस्टम में अभी बहुत सारी तब्दीलियाँ मुमकिन है, हो सकता है कि सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में कुछ बारिशों के इम्कान में इजाफा देखने को मिल सकती है, जिसकी मज़ीद अपडेट्स हम आपको वक्त आने पर पेश करेंगे। बात करते हैं तो बारिशों के दूसरे नए सिलसिले के हवाले से, तो ये बारिशों का ताकतवर सिलसिला होगा, जो कि 11 मार्च से मुल्क में दाखिल होगा। याद रहे कि ये अच्छा और बेहतर सिलसिला होगा, ये सिस्टम मुल्कगीर बारिशों का सबब बनेगा। इस सिस्टम से कराची तक कश्मीर बारिशें मुमकिन है, बस मज़ीद दुआएं करो कि सिस्टम में मज़ीद शिद्दत आए, जिससे अच्छी बारिशों का सबब बन सके, आमीन। इंशाल्लाह इसकी भी मज़ीद अपडेट्स हम आपको बाद में पेश करेंगे, मज़ीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद दुआ करते रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिशें होती रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइट बीन थंडरस्टॉर्म बारिशों के मुतालिक रोज़ाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मेड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।